गारंटी और वारंटी, काफी सारे लोग समझते हैं गारंटी और वारंटी का मतलब एक ही होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत फर्क है। वारंटी की अगर मैं बात करूं या गारंटी की अगर मैं बात करूं, इन दोनों ही वर्ड्स के अंदर अगर आप पूरा ये वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गारंटी और वारंटी में क्या होता है फर्क और कौन सी चीज़ आपके लिए होती है फायदेमंद। तो इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वारंटी अगर आप लेंगे तो आपको बदले में क्या मिलने वाला है और गारंटी अगर आप लेंगे तो बदले में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कंपनी से। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर। अब फटाफट बिना वक्त गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ वारंटी या गारंटी आपको मिलने कैसे वाली है। तो दोस्तों अगर आपको दोनों में से कोई भी चीज़ चाहिए तो आपके पास कम से कम उस कंपनी का वारंटी या गारंटी कार्ड या बिल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस दुकानदार से जिसने आपने माल खरीदा या उस कंपनी से जिसका वो सामान है उससे आप गारंटी या वारंटी ले पाएंगे। अब शुरुआत करता हूँ वारंटी के बारे में। अगर वारंटी की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको मिलती है प्रोडक्ट की रिपेयर, यानी कि अगर प्रोडक्ट आपका ख़राब हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसके अंदर आ गया है, तो आप उसे दुकानदार के पास लेके जाएंगे या सर्विस सेंटर के पास लेके जाएंगे और आपको उस प्रोडक्ट को रिपेयर करके आपको वापस दे दिया जाएगा। वहीं पर अगर बात करता हूँ गारंटी की, तो गारंटी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर माइनर कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्रोडक्ट रिपेयर करके दे दिया जाएगा, लेकिन अगर रिपेयर होना उसका पॉसिबल नहीं है तो आपको प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे दिया जाएगा। और अगर वो रिप्लेस होने की कंडीशन में नहीं है, यानी कि कंपनी के अंदर अगर पास में वो स्टॉक नहीं है या फिर वो पार्ट कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी उसके बदले आपको पैसा देगी। जी हाँ, कंपनी आपको उसके बदले उसका अमाउंट रिफंड करेगी। तो गारंटी के अंदर आपको मिलते हैं तीन ऑप्शन, जबकि वारंटी के अंदर आपको लगभग एक ही जो है ऑप्शन मिलता है वो है रिपेयर का, और यहाँ पर रिपेयर, रिप्लेसमेंट, साथ में मनी रिफंड, तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो गारंटी में आपको होता है ये फायदा वारंटी के मुकाबले, लेकिन दोनों में ही होती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, यानी नियम और शर्तें। तो मैं दोनों की नियम और शर्तें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास होना चाहिए एक पक्का बिल या फिर कंपनी का वारंटी या गारंटी कार्ड। यही दोनों चीज़ें आपको मदद करेंगी एक सही तरीके से सर्विस ले पाने में। और जो दुकानदार होता है, ये उसका दायित्व नहीं है कि वो आपको वारंटी या गारंटी देगा, ये डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है और उस सर्विस सेंटर के ऊपर जो उस कंपनी का सर्विस सेंटर है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको जो प्रोडक्ट है वो वारंटी या गारंटी खत्म होने से पहले ही सर्विस सेंटर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि माना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक साल की गारंटी या वारंटी है तो उससे पहले ख़राब हो गया, लेकिन आप उसको लेके जाते हैं उस अवधि के बाद जो बिल पे डेट लिखी है उसके बाद आप उसको लेके जाते हैं, तो उसकी वारंटी आपको या गारंटी उसको नहीं मिलेगी। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इन दोनों में से कोई भी चीज़ लेनी है तो आप उसको बिल की जो डेट है अगर वो उस गारंटी या वारंटी का टाइम है उससे पहले ही आप उसको सर्विस सेंटर में लेके जाएं। इससे अगले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों नॉर्मली हमने देखा है कि वारंटी को एक्सटेंड किया जा सकता है लेकिन गारंटी को जो है एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा आपके लैपटॉप्स के ऊपर या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर आपको AMC मिलती है या फिर आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें आप कुछ पैसे देके अपनी वारंटी को एक साल से बढ़ा के 3 साल या 5 साल तक आप कर सकते हैं, लेकिन गारंटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गारंटी नॉर्मली 1 साल की या जितने भी टाइम की आपको मिलती है उसके बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है। इससे अगले अगर बात करूँ तो वारंटी लगभग आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएगी, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर आपको कुछ वारंटी जरूर मिलेगी, लेकिन गारंटी जो है वो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है। बहुत कम प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको गारंटी मिलती है, तो वारंटी लगभग हर प्रोडक्ट पे और गारंटी बहुत कम। और इससे अगली बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो लोग जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस, तो गारंटी वाले प्रोडक्ट खरीदने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय कि वारंटी वाले प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बता पाया हूंगा कि वारंटी में और गारंटी में क्या फर्क है और आपको कौन सी चीज पसंद करनी चाहिए, वारंटी या गारंटी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी मालूम पड़े वारंटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस। धन्यवाद दोस्तों।